प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, नई शिक्षा नीति का फोकस व्हाट टू थिंक पर नहीं, हाउ टू थिंक पर। नमस्कार, जैसा कि आपको हेडिंग से कंफर्म हो गया होगा कि मेरी इस वीडियो का रिसेंट टॉपिक क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्क्लेव को संबोधित किया। अभी हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद पीएम ने देश को इस मुद्दे पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का ये कॉन्क्लेव नई शिक्षा नीति के लिहाज से काफी अहम है। इससे नैप को लेकर जानकारी स्पष्ट होगी और इसका कार्यान्वयन होगा। 3-4 सालों के व्यापक मंथन के बाद इसे फाइनल किया गया है। देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं। इस पर स्वस्थ चर्चा हो रही है। इसका लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। पीएम ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव की जरूरत पर कहा कि देश में शिक्षा नीति में बहुत वक्त से कोई बदलाव नहीं हुआ था, जिसका परिणाम यह हुआ कि युवाओं में जिज्ञासा और कल्पनाशीलता खत्म हो गई और डॉक्टर इंजीनियर बनने की भेड़चाल होने लगी। साथ ही महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे में देश को इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग के बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से बाहर निकालना था। इस पर विचार करना था कि हमारे समाज में क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग कैसे विकसित हो, फिलोसफी और एजुकेशन और पर्पज ऑफ एजुकेशन कैसे विकसित किया जाए, किन सवालों पर किया गया विचार। पीएम ने कहा कि एनईपी को तैयार करने में टुकड़ों में सोचने की बजाय एक होलिस्टिक अप्रोच यानी संपूर्ण दृष्टिकोण की जरूरत थी। इसमें एनईपी सफल रही है। अब जब एनईपी मूर्त रूप ले चुकी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे सामने क्या सवाल खड़े थे। पहला सवाल ये था कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को क्यूरियसिटी और कमिटमेंट ड्रिवन लाइफ के लिए प्रेरित करती है। दूसरा सवाल ये था, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे युवाओं को सशक्त करती है। आप इसके जवाब से परिचित हैं, लेकिन मुझे संतोष है कि नई नीति में इन विचारों पर गंभीरता से विचार किया गया है। साथ ही नई शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज फार्मूले के संदर्भ में उन्होंने बताया कि मातृभाषा में पढ़ाई की नीति का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि शुरुआती पढ़ाई और बोलने की भाषा एक ही होने से बच्चों की नींव मजबूत होगी, वहीं आगे की पढ़ाई के लिए आधार भी मजबूत होगा। अभी तक की शिक्षा व्यवस्था में व्हाट टू थिंक, अब हाउ टू थिंक पर फोकस है। दैट्स मीन क्या सोचना है पर नहीं, कैसे सोचना चाहिए। आज के इस दौर में इंफॉर्मेशन और कंटेंट की बाढ़ है। हर प्रकार की जानकारी मोबाइल फोन पर अवेलेबल है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि क्या पढ़ना है, क्या जानकारी हासिल करनी है। नई नीति में इसका ध्यान रखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक एंड शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, स्टे होम स्टे सेफ।